सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट सोशल साइंस है, 6 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है, टॉपिक है मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 इयर्स ओल्ड। जो प्रथम मुगल शासक था बाबर 1526 से 1530 तक, ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार ठीक है प्राप्त किया, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbeks. मंगोलों की जो दूसरी शाखा थी, उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी जो पैतृक गद्दी थी वो छोड़नी पड़ी। After years of wandering, he seized Kabul in 1504. और अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया। इन 1506 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। बाबर का टाइम पीरियड है 1526 से 1530, ठीक है, जो उसने शासन किया था दिल्ली की सल्तनत पर, उसका टाइम पीरियड है ये। अब देखिए यहाँ पर है, इन 1526 डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया, ठीक है, बाबर की बात हो रही है, बाबर ने हराया। इन 1527 डिफीटेड राणा सांगर राजपूत रूलर्स एंड एलाइज एट खानवा। और 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। इन 1528 डिफीटेड द राजपूत सेट चंदेरी। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बाबर। मुगल बादशाह बाबर के संदर्भ में कुछ रोचक तथ्य हैं, तो यहाँ पर देखते हैं हम। देखो, बाबर चेंज्ड द थ्योरी ऑफ किंगशिप एंड अडॉप्टेड ए टाइटल ऑफ एम्परर इंस्टीड ऑफ सुल्तान। बाबर ने राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी संभाली थी। ही इंट्रोड्यूस्ड कैनन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। उसने बाबर ने भारत में सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया। ही वाज वेल वर्स्ड इन टर्किश। और बाबर को तुर्की भाषा बहुत अच्छे से आती थी, वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। ही रोट इज ऑटोबायोग्राफी तुजुकी बाबरी इन टर्किश। उसने जो बाबर था उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी लिखी। और यहाँ लास्ट में हम एक और बबल्स देखेंगे। बाबर डाइड इन 1530। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नंबर वन है, हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर। तो इसका आंसर होगा बच्चों बाबर, ठीक है, ये आंसर नंबर वन है आपका बाबर। नेम द, इसमें पूछा हुआ है आपसे, मैं हिंदी भी बता देती हूँ कि जो प्रथम मुगल शासक था वो कौन था। तो हम लिखेंगे प्रथम मुगल शासक के बारे में उसका नाम लिख देंगे बस, बाबर। क्वेश्चन नंबर टू है, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। तो बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए, यहाँ पर हमें नाम बताना है। तो देखिए आप आंसर नंबर टू में बस इतना लिख देना, तुजुके बाबरी, ठीक है, ये उसका नाम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थ्री है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री है, नेम एनी वन सल्तनत रूलर, किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। तो हम यहाँ लिख देंगे जो वर्कशीट में है,
इब्राहिम लोदी। सुल्तान शासक का नाम इब्राहिम लोदी है, जिसे 1526 में बाबर ने हराया था। ठीक है, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।